नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आधी दुनिया। दोस्तों, आपके और मेरे घर में ढेर सारे काम होते हैं और उन कामों के अलावा अगर थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकाल सके, यहाँ तक कि बाहर के बच्चों के लिए निकाल सके, वो कितना ज़रूरी होता है। और इस वक्त मैं बैठी हूँ महिला परिषद के सेक्शन के ढेर सारे टीचर्स के साथ और ये अपने घर के साथ साथ यहाँ भी मैनेज करती हैं, यहाँ भी बच्चों को ट्रीट करती हैं, वो भी फ्रेंडली तरीके से। दोस्तों, बच्चे तभी अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, अच्छी तरह से मन उनका कामों में लगेगा जब एक फ्रेंडली नेचर उन्हें एटमॉस्फेयर बाहर मिलेगा। घर में जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं, वैसे ही बाहर तभी एंजॉय करेंगे जब वो नेचर, वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा। और जो महिला परिषद की टीचर्स है वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करती हैं ताकि बच्चे अपना घर जैसे समझकर यहाँ के ढेर सारे सेगमेंट में ध्यान देते हैं। और इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं चारों ओर मेरी टीचर्स बैठी हुई हैं और हम उनसे जानेंगे किस तरह से बैलेंस करती हैं वो अपने घर को और यहाँ, और किस तरह से ट्रीट करती हैं बच्चों को। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं टीचर से आपका नाम। स्वाति बसु। आपके सेक्शन की आपका क्या डिजिग्नेशन है? वाइस प्रिंसिपल। तो बताइए मैम, आप कितने दिनों से यहाँ है, महिला परिषद से जुड़ी हुई है, और यहाँ की क्या क्या एक्टिविटीज़ है जहाँ जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रिय है, आपकी फेवरेट है? क्योंकि आपको इस वक्त ऑल इंडिया देखा जा रहा है और साथ ही जो हमारी आधी दुनिया की लेडीज़ है वो भी जानना चाहेंगी किस तरह से अगर वो अपने रोज़मर्रा की लाइफ से थोड़ा सा समय निकाले और महिला परिषद में आके कोई भी ट्रेनिंग लो तो कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उनके लिए और कितना ज़्यादा वो मैनेज कर पाएंगी दोनों बैलेंस को। यहाँ तो महिला परिषद में सब कुछ होता है, जैसे एक स्कूल है, कंप्यूटर सेक्शन है और सिलाई का है और सॉफ्ट टॉयज बनाने का है। तो यहाँ आप कोई आके सीखे तो बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है। अगर मैं ट्रेनिंग पीरियड पर बात करूँ कि कितने दिनों में उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके लिए क्या क्या है? ट्रेनिंग पीरियड सबके लिए फिक्स टाइम है, जैसे कंप्यूटर 6 मंथ्स, सिलाई है 1 एंड 2 ईयर्स, और स्कूल भी है, स्कूल तो फ्रॉम 1 एंड हाफ मंथ टू 6 ईयर्स। और जैसा कि हमने देखा है बाल कुंज यहाँ एक सेक्शन है जो बच्चों का है, कंप्लीट केयर किया जाता है। तो अगर कोई लेडीज़ हमारी आधी दुनिया की चाहे अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों को यहाँ इनपुट करना, तो वो कैसे करेंगे, कैसे क्या आप इंस्पायर करेंगे उनको? यहाँ तो स्कूल, तो स्कूल का पढ़ाई तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि सब स्कूल में, जो जो स्कूल में वो लोग जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, सब में वो लोग अच्छा बाद में अच्छा रिजल्ट करते हैं और मम्मी पापा के बोलते हैं कि दे आर वेरी गुड नाउ, यू हैव वर्कड हार्ड, ऑल दिस थिंग्स। फॉर दिस रीज़न ऑल आर कमिंग हियर एंड आवर स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, यही है। मैंने नेचर की बात की थी, टीचर्स का स्टूडेंट के साथ नेचर अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, तो वैसे कैसे होगा नेचर का? एक्चुअली मॉन्टेसरी में तो नेचर फर्स्ट आते हैं ना, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए बच्चे का साथ। यहाँ कोई ऐसे हम लोग का साथ फ्रेंडली नेचर ही है, जैसे हम लोग आप करके बात करते हैं, वो लोग भी आप करके बात करते हैं, ये सब है। और यहाँ कोई ये भी है, कोई बच्चा अगर दूसरा क्लास में जाके बैठे तो हम लोग उसको नहीं हटा सकता है, वहाँ ही बैठ के काम कर सकता है, ये सब है। और अगर मैं मीटिंग्स की बात करूं कि हर एक सेक्शन, हर एक समय में ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग्स किया जाए और बच्चों की क्या खामियां हैं उन्हें बताया जाए और क्या सीखा जाए उनसे, तो उन्हें कैसे बता, आप बताइए मैम। बच्चों के पेरेंट्स को इसलिए बुलाते हैं उनका प्लस माइनस बताने के लिए कि वो क्लास में किस क्या क्या कर रहे हैं और घर में क्या आप उसको अवेल कर सकते हैं। कि क्लास में हम लोग अगर बच्चों को सिखाते हैं तो किस ढंग से सिखाना चाहिए, अगर आपके टीचर वहाँ हैं तो उनके सिखाने का ढंग अलग है, पर हम लोग के वे से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों को सीखने का। ऐसा देखा जाता है कि होमवर्क का जो प्रेशर रहता है उनसे बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो होमवर्क किस तरह से दिया जाता है, कैसे बैलेंस करते हैं बच्चे उसको? नहीं, हम लोग के स्कूल में होमवर्क रोज़ नहीं दिया जाता है, हफ्ते में एक दिन दिया जाता है, मोस्टली हम लोग फ्राइडे को देते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है बच्चों की तो बच्चे कर सकें वो होमवर्क को। अच्छा, मैंने यहाँ के सेक्शंस में एक और बात देखा, यहाँ गेम्स वगैरह, पज़ल वगैरह भी सॉल्व किए जाते हैं, तो उसका क्या मेथड है, उसका क्या सिस्टम है यहाँ पे? हर सब्जेक्ट का अलग अलग है, मैथ्स के लिए नंबर वन रोड रहता है, इंग्लिश के लिए अल्फ़ाबेट रहता है, हिंदी के लिए आई जो रहते हैं, उसको पिक्चर दिखा के बच्चों को अरेंज करके सिखाया जाता है। आप मैरिड हैं, आप कैसे बैलेंस करती हैं, यहाँ भी आती हैं बच्चों को केयर करती हैं घर में, तो बैलेंस कैसे कर पाएंगे? अगर कोई लेडीज सोचे जो मैरिड है कि वो बाहर निकलने का सोचे, कुछ करने का सोचे, तो वो कैसे बैलेंस करेंगे थोड़ा बताएं? वो पहला तो वो डिपेंड करता है फैमिली से, उसके बाद खुद आपकी कैपेबिलिटी से। अगर आप कर रहे हो तो दोनों मैनेज इजीली हो जाता है, क्योंकि जो स्कूल की टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेकर 1 होती है, एंड उसके बाद अपना घर भी मैनेज कर लेते हैं। तो अगर किसी को करना हो
अंदर में लगन हो तो वो आराम से कर सकता है। आप कितने दिनों से हैं यहाँ? मुझे अभी एक साल होगा यहाँ पे। आप कौन से स्ट्रीम को? मेरा इंग्लिश है और अपर नर्सरी की क्लास टीचर हूँ मैं। लोअर के जी को पढ़ाती हूँ मैं। या आई एम टीचिंग इन अपर के जी। तो आप दोनों जो माइनस पॉइंट पहले बच्चों को देखती हैं फिर उसको कैसे टैकल करती हैं? जैसे बहुत ज़्यादा बच्चों का माइंड शार्प माइंड नहीं रहता, कुछ वीक रहते हैं, तो उनको पहले समझाना रहता है, उसके बाद उनके जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है, तो कैसे वो? देखिए सभी बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, कोई स्ट्रांग होते हैं, कोई थोड़े वीक होते हैं। जो कमज़ोर होते हैं उनको अपने पास बुला के इंडिविजुअली उनको हेल्प करनी होती है और उनको उसी बेटर तरीके से बताना पड़ता है जिससे वो और ज़्यादा जल्दी कोप अप कर पाए। क्योंकि जैसे कोई बच्चा अगर लिखने में वीक है तो हम लोग उसको बार बार अपने पास बुला के लिखवाते हैं, बोर्ड वर्क देते हैं, स्पेशल केयर देना पड़ता है, एक्चुअली पर्सनल अटेंशन और स्पेशल केयर देके फिर बच्चे ऑटोमेटिकली फिर दूसरे बच्चों के साथ कोप अप करने लगते हैं। अगर एक ड्राइंग की बात करूँ या एक पोएम्स या टेबल्स की बात करूँ, कितने दिनों में बच्चे एकदम फ्लुएंसी सीख जाएंगे टेबल्स वगैरह ड्राइंग वगैरह? उसको कंटिन्यूअसली क्या होता है, प्रैक्टिस कराना होता है। एक चीज़ को थोड़ा सा रिपीटेशन कराते कराते बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। वन वीक यदि वो ऑटोमेटिकली यदि एक दो दिन कंटिन्यूस वन वीक यदि आप एक चीज़ को कराते हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप सीख जाते हैं और इंटरेस्ट लेने लगते हैं। फिर उनको जब खुद से आने लगता है तो वो बच्चे और इंटरेस्ट लेते हैं। स्पेशली राइम्स में ये सब होता है कि हम लोग एक्शंस के साथ सिखाते हैं, तो एक्शंस के साथ बच्चों को कराओ ना तो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। आप कितने दिनों से हैं? मेरे को 4 साल हो गए। अगर मैं कुछ अलग की बात पूछूं कि यहाँ से बाहर जो जितने भी स्कूल वगैरह सेक्शन वगैरह क्या अलग है और क्या आपको महिला परिषद में कैसा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि आप आज महिला परिषद से जुड़े हैं, उसके बारे में? एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी सबसे बड़ी बात हम लोग की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैंने द बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ भी अपनी प्रॉब्लम भी उनको बताते हैं तो वो समझते हैं और यहाँ पे पॉजिटिविटी हम लोग को नज़र आती है। मतलब सारे लोग इतने अच्छे हैं कि एनवायरनमेंट में काम करना एकदम आराम हो जाता है, लगता ही नहीं कि हम लोग ऐसा कोई स्कूल में गए हैं या कुछ काम करके घर आ रहे हैं। तो घर पे जाके फिर हम लोग को एकदम फ्री फील होता है कि हम लोग कहीं आराम ही करके आए हैं। बिल्कुल हाँ, कोई कठिनाई, बहुत ही अच्छा है। और इस एनवायरनमेंट में काम करके उल्टा मज़ा ही आता है, हम लोग तो बहुत ही इंजॉय करते हैं, लगता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पढ़ाने के लिए आए। बच्चों के साथ लगता है लाइक वी आर इंजॉइंग ओवर हियर, हम लोग को लगता है कि हम लोग यहाँ इंजॉय करने आए हैं और बच्चे भी अच्छे से मज़े से कोप अप करते हैं। ये तो थी एकेडमिक सेक्शन की बात, अब आइए प्ले हाउस की टीचर्स मेरे साथ मौजूद है और म्यूज़िक सेक्शन की टीचर्स, और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो म्यूज़िक बच्चों को सिखाती है और किस तरह से प्ले हाउस में बच्चों को वो ट्रीट करती हैं। आइए जानते हैं म्यूज़िक टीचर से सबसे पहले। वेलकम टू टाटा टीवी, मेरा नाम है बानी दे, मैं यहाँ पे म्यूज़िक क्लास म्यूज़िक सिखाती हूँ, संगीत सिखाती हूँ और आप नर्सरी का क्लास टीचर हूँ। कितने दिनों से आप म्यूज़िक सिखा रही हैं? मैं यहाँ पे 17 साल काम कर रही हूँ। साल का जुड़ाव महिला परिषद से पहले बताइए कैसा है? ये जो संस्था है, मैं ये संस्था से इतना दिन से जुड़ी हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमको ये महसूस इतना अच्छा महसूस होता है, ताकि हमको लगता नहीं है जो हम कोई स्कूल में जो कोई ट्रेडिशनल जैसे स्कूल, ये भी ऐसे ही बहुत पुराना स्कूल ही है, लेकिन यहाँ पे काम करने से बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, आया भी था, अभी भी आता है, बाद में भी भविष्य में भी आएंगे। मैं चाहूँगी मेरे लिए और आधी दुनिया की ढेर सारी लेडीज़ को कुछ गुनगुना कर सुनाएं अपने वॉइस में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हेलो, मेरा नाम वैशाखी चंद्रा है। हेलो, आई एम तनुश्री चक्रवर्ती। हम लोग बालकुंज में जो प्ले हाउस है, लोअर नर्सरी, मतलब सबसे छोटा बच्चा जो लोग आते हैं तो उन लोगों को हम लोग देखते हैं, और मेरा एक डांस का हम क्लास करते हैं यहाँ पे, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और बंगाली का क्लास भी लेती हूँ। आज की डेट में जो मतलब प्ले हाउस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ये सब नहीं था, अभी ये ज़्यादा इनबिल्ड हो गया, ज़्यादा रिनाउन हो गया, कितना ज़रूरी है बच्चों को पहले एकेडमिक शिक्षा देने से पहले ये प्ले हाउस की शिक्षा दें? हाँ, एक्चुअली
प्ले हाउस है एकदम छोटे बच्चे के लिए, जो मतलब 2 साल जैसा उम्र है उन लोग का, वो लोग यहाँ आते हैं पहले ही इन्वायरमेंट से उन लोग जुड़ा होता है, फिर मतलब पहले ही आके अगर स्टडी शुरू कर देगा तो उन लोग के भीतर एकदम एक डर जैसा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। पहले ही वो लोग एक नेचर से अगर जुड़ा होगा, फिर थोड़ा बहुत खेलेगा कूदेगा तो वो लोग यहाँ सेटल हो जाएगा, तो उसी हिसाब से वो लोग फिर आगे बढ़ पाएगा, उसके लिए इजीएस्ट होगा वो भी। एक एटमॉस्फेयर अच्छा रखने के लिए और बच्चे को ज़्यादा दिमाग में जाए तो इजी करने के लिए आप लोग प्ले हाउस पहले आई एम सुप्रिया सरकार, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ बालकुंज। ये बहुत पुराना स्कूल है, 45 ईयर्स से चल रहा है। हमारा जो टीचर्स है स्कूल में बहुत अच्छे है, वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली एंड आई थिंक वी ट्राई टू एक बच्चे लोग के लिए हम लोग जो चाहते हैं वो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में अच्छे हो, कि कोई डांस में अच्छे हो, कोई पेंटिंग में अच्छे हो, सो कोई म्यूज़िक में, तो हम सब कुछ सिखाते हैं ये बच्चे लोग के, कि उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट वो अच्छे से हो। और स्कूल का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि वो जो घर से आते हैं वो घर को मिस नहीं करे, माने वो स्कूल में एक घर का वातावरण भी हो और कुछ सिखा लेते हैं हम लोग, ऐसा ही हम चाहते हैं। तो अभी आपने देखा और सुना कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस करने की इच्छा और लगन होनी चाहिए। आपने अभी ढेर सारी टीचर्स जो यहाँ मौजूद थी महिला परिषद की, उन्होंने अपने अपने व्यू शेयर किए आपके साथ। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर से मिलूँगी आपके साथ कुछ नए और बेहतरीन सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आधी दुनिया।